सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो हम देखने वाले हैं पेप्टिक अल्सर का प्लान, ठीक है। सो मैं आपको बता रही हूँ मैम, अंडरवेट और ओबेसिटी का न्यूट्रिशनल गोल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, हाँ वो बता दी। जस्ट वेट। नॉर्मल वेट का हो चुका है ना? नॉर्मल वेट का हो चुका है। यस मैम, हो गया है। ओबेसिटी एंड अंडरवेट। तो वहां पे आप लिखोगे सो द फर्स्ट गोल फॉर द ओबेस पर्सन इज टू प्रिवेंट फर्दर वेट गेन। ठीक है। सो तो पहला का क्या आएगा? टू प्रिवेंट वेट फर्दर वेट गेन एंड टू कीप बॉडी वेट स्टेबल। सो आप लिखिए वो ओबेसिटी के लिए, टू प्रिवेंट फर्दर वेट है ना? हाँ, न्यूट्रिशनल गोल्स में। हाँ राइट। टू प्रिवेंट फर्दर वेट गेन एंड टू कीप बॉडी वेट स्टेबल। सभी लिखिए। किसी को जो है, किसी ने जो है कॉपी और पेन लाया है ना? सभी ने? यस मैम। ओके ठीक है। यस मैम। ओके, फर्स्ट गोल क्या है? टू प्रिवेंट फर्दर वेट गेन एंड टू कीप बॉडी वेट स्टेबल, राइट। देन सेकंड लिखिए। फर्स्ट हो गया सभी का, मुझे बता दीजिएगा सही हो। मैम एक बार रिपीट करिए ना। टू प्रिवेंट फर्दर वेट गेन, टू प्रिवेंट फर्दर वेट गेन एंड टू कीप बॉडी वेट स्टेबल, एंड टू कीप बॉडी वेट स्टेबल। हो गया सबका ये लिख के? यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट लिखिए सेकंड, ठीक है। रिड्यूसिंग द कैलोरी इनटेक, रिड्यूसिंग द कैलोरी इनटेक, रिड्यूसिंग द कैलोरी इनटेक, रिड्यूसिंग द कैलोरी इनटेक बिलो 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 एक्सपेंडिचर, बिलो एक्सपेंडिचर expenditure results in predictable initial rate of weight loss। हम इनिशियल के बाद क्या है? इनिशियल रेट ऑफ रेट RATE रेट ऑफ वेट लॉस, वेट लॉस। देन ये सेकंड हो गया ना? हाँ, थर्ड लिखिए फिर से एक बार, लास्ट में रिपीट करूंगी, ठीक है। थर्ड लिखिए। okay. थर्ड लिखिए diet should be low in fat। next fifth, नहीं सॉरी फोर्थ। मैम लो इन फैट के बाद क्या करना है? लो इन फैट, डाइट शुड बी लो इन फैट। ये कितने हो गए? थ्री हो गए ना, तीन हो गए ना गोल? यस मैम, थ्री पॉइंट हो गए। यस मैम। के बाद में फोर्थ लिखिए, फोर्थ लिखिए
increase the consumption of increase the consumption of whole grains, vegetables, and fruits which are rich in fiber. उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, आपने हाई जो है डाइट शुड बी लो इन फैट, ठीक है, उस तरह से एक और पॉइंट लिख दीजिए, डाइट शुड बी लो इन सिंपल डाइट शुड बी लो इन सिंपल शुगर्स, ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए, सफिशियंट ही इतना, ओके. जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि डाइट शुड बी लो इन सिंपल शुगर्स, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे मैंने दो आपको बताए थे, ठीक है, लो इन फैट और जैसे अभी बताया कि लो इन शुगर, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ हाई शुगर एंड हाई फैटी फूड्स, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते थे, ठीक है. पर यहाँ पे हमको अगर थोड़ा सा जो है पॉइंट्स अगर बढ़ाने हैं वहां पे, ठीक है, तो इसको सेपरेटली भी लिखा जा सकता है. उसके बाद में प्रिंसिपल्स लिखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशन. मैम सेकंड वाला एक बार रिपीट कीजिए. हाँ, फिर से एक बार सभी रिपीट कर देती हूँ, ठीक है. टू प्रिवेंट फर्दर वेट गेन एंड टू कीप बॉडी वेट स्टेबल. देन सेकंड लिखा था हमने reducing the calorie intake below expenditure results in predictable initial rate of weight loss. थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, हाँ, predictable initial rate of weight loss. देन थर्ड हमने बोला था डाइट शुड बी लो इन फैट, ठीक है, डाइट शुड बी लो इन फैट, ठीक है, ये थर्ड था. उसके बाद में फोर्थ, increase the consumption of whole grains, vegetables and fruits which are high in fibers, राइट, ये लिखा था. उसके बाद में जो है लास्ट जो हमने लिखा था, डाइट शुड बी लो इन सिंपल शुगर्स. सिंपल शुगर सभी को पता है, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी सभी को पता है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, और सिंपल शुगर जो है उसके रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं, अगर मॉर्बिड ओबेसिटी रही तो उसको अवॉइड भी करना पड़ता है, राइट. उसके बाद में तो ये हो गया न्यूट्रिशनल गोल्स टू बी अचीव्ड, ठीक है. यस, इसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि प्रोवाइडिंग मील्स विद स्मॉल पोर्शंस, ठीक है, स्मॉल पोर्शंस जो है हमको हमेशा देना चाहिए ओबेस पर्सन को, एकदम भर भर के खाना नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो. अगर जगह है वहां पे तो लिख दीजिए प्रोवाइडिंग मील्स विथ स्मॉल पोर्शंस. स्मॉल पोर्शंस, ठीक है.
उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डायट्री मॉडिफिकेशंस में लिखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डायट्री मॉडिफिकेशंस फर्स्ट पॉइंट लिखिए। थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए, अगर कुछ छूट गया है तो फिर मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। पहला लिखिए, टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स, टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स एडिशन ऑफ सीरियल्स मैम नीड्स के बाद एडिशन आएगा, टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स कॉमा, बताना भूल गई, ठीक है, टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स कॉमा एडिशन ऑफ सीरियल्स is carried out या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो should be preferred भी, ठीक है, is carried out और should be preferred, addition of cereals is carried out to meet the requirements of energy, to meet the requirements of energy at adequate amount for obese person. मैम नेक्स्ट पॉइंट है ये कि कंटिन्यूएशन में For obese person, complex carbohydrates should be preferred than complex carbohydrates should be preferred than simple sugars, right? ये हो गया आपका एक point, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ, to fulfill the energy needs addition of cereals is carried out to meet the requirements of energy at adequate amount यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैंने लिखा था where we added exchanges, ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक लिख दिया adequate amount, उसके बाद आप लिखोगे for obese person complex carbohydrates should be preferred than simple sugars या simple one, ठीक है, सिंपल जो शुगर रहते हैं उनके जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल करके भी आप दे सकते हो कि जैसे जो होल व्हीट फ्लावर है उसका यूज करें, ठीक है, रादर देन जो है यूज ऑफ रिफाइंड व्हीट फ्लावर, ठीक है, रिफाइंड व्हीट फ्लावर का यूज ना करते हुए आप जो है होल व्हीट फ्लावर का यूज कर सकते हो। इस तरह भी एग्जाम्पल दे सकते हो अगर लेंथ बढ़ानी है आपको पॉइंट की, बस उसके लिए, अदरवाइज नहीं लिखा तो भी चल जाता है, वैसे कोई देखने वाला नहीं है ज्यादा इसको। उसके बाद में सेकंड जो है वो लिखिए, नॉर्मल विटामिन्स एंड मिनरल्स should be consumed by all obese person with prolonged
restriction of fat with prolonged restriction of fats. Restrictions of fat. ठीक है, यानी normal vitamins and minerals should be consumed by all obese person with prolonged restriction of fat. Right? तो ये हो गया आपका second point. ठीक है, उसके बाद third point लिखिए. ठीक है, 0.8 थर्ड पॉइंट लिखिए. 0.8 टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन. 0.8 टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोटीन पर केजी आइडियल बॉडी वेट पर केजी ideal body weight is essential for tissue repair. ठीक है, यानी मॉर्बिडिटी के हिसाब से हम 0.8 से 1 जो ग्राम तक जो है, ठीक है, वहां पे हम सजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हम एकदम से जो है प्रोटीन है उसको अवॉइड नहीं किया जाता, नहीं तो आपको पता है एनर्जी के सोर्स के लिए कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा. ठीक है, और जहाँ पे हम पे, जो ओबेस पर्सन है उसको जहाँ पे वेट लॉस करवाने वाले है, ठीक है, तो ऑब्वियस है जो टिश्यू जो है उसकी हेल्थ मेंटेन रहने के लिए, वो उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन जो है वो भी टिश्यू से ही बने हुए होते हैं. ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी जो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए या फिर उसकी स्ट्रेंथी रहने के लिए हमको जो प्रोटीन है वो तो लगेगा ही. ठीक है, फर्दर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, राइट. सो तो प्रोटीन वहां पे दिया जाता है. ठीक है, पर वहां पे अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है तो वहां पे कुछ अमाउंट जो है वो कम किया जाता है, पर वहां पे रेस्ट्रिक्शंस प्रोटीन के ऊपर कम्प्लीटली लगती नहीं जाती, क्योंकि टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन लगता ही लगता है. ठीक है, नहीं तो बॉडी जो है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ना जो है रहते हुए प्रोटीन के ऊपर एनर्जी के लिए डिपेंड होते जाएगी. ठीक है, अगर प्रोटीन ना रहा तो फैट के ऊपर डिपेंड रहने लगेगी. ठीक है, तो इस तरह से जो है कॉन्सिक्वेंसेस हम देख सकते, इसलिए हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते. इसलिए हम कहीं पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ चीजें जो है लिबरल अमाउंट में देते हैं. ठीक है, सो इस तरह से हम वो बैलेंस करते हैं चीजें. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखे वहां पे, नेक्स्ट पॉइंट वहां पे लिखिए, डू नॉट यूज roots, tubers, comma nuts, and oil seeds, as well as dry fruits for lowering the carbohydrates. ठीक है, सो यहाँ पे जैसे स्वीट पोटैटो है, याम है, अपना रेगुलर पोटैटो है, ठीक है, तो वो वहां पे यूज नहीं करना. ठीक है मैम. हाँ मैम, मैंने वॉलनट या कोकोनट वाटर यूज किया है. हाँ ठीक है. हाँ हाँ, जो यानी ज्यादा अमाउंट में वहां पे यूज नहीं करना है. नट्स एंड ऑयल सीड में जैसे कैश्यू नट है, राइट, वो वहां पे यूज नहीं करना होता. या जो ऑयल सीड्स है, ठीक है, तो जिनमें ऑयल कंटेंट ज्यादा रहता है, क्योंकि हमको जैसे फैट हम ऐड करते हैं ना, बाकी फूड आइटम्स पे भी हमको फैट मिलता है, तो उसके लिए जो है हम कहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि कहाँ पे जो है अवॉइड कर सकते, तो यहाँ पे नट्स एंड ऑयल सीड्स में.
ठीक है, वहां पे हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ड्राई फ्रूट जो है, ठीक है उसमें, ठीक है, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो वगैरह होंगे, जो फ्रूट्स होंगे उसमें जो शुगर कंटेंट रहता है वो सिंपल फॉर्म में रहता है, जैसे फ्रूट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, ठीक है, उसको ड्राई करके, जो ऑब्वियस है फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं उसको ड्राई करके उसको बनाया जाता है, पर वहां पे आप देखोगे कि फ्रूट्स में जो है फ्रुक्टोज रहता है, राइट, जो सिंपल शुगर कहलाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है नट्स एंड ऑयल सीड्स जो है उसका बहुत कम यूज किया जाता है, या फिर जैसे मोर्बिड ओबिसिटी रही तो यहाँ पे नट्स एंड ऑयल सीड का जो है यूज ही नहीं किया जाता, या फिर पोटैटो वगैरह उसका यूज ही नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब भी डायबिटिक का भी प्लान बनाओ ना आप, तो रूट्स एंड ट्यूबर्स जो है वो वहां पे यूज नहीं किए जाते। हाँ, लगे तो आप जैसे अभी ओबेस पर्सन के लिए, या फिर जो है अच्छा फैट अगर आप देना चाहते हो, क्योंकि ओबेस पर्सन में वैसे भी रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं फैट के, बहुत कम फैट जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम अवॉइड कर रहे हैं। पर अगर सपोज प्री ओबेस है कंडीशन, ठीक है, तो वहां पे आपको अच्छा हेल्दी फैट देना है, ठीक है, तो क्यों ना आप जो है मूफा रिच होते हैं ऐसे आप नट्स वगैरह दे सकते हो, जैसे अलमंड है, वॉलनट जो आपने दिया, राइट, तो वो हेल्दी जो है हम फंक्शनल फूड्स माने जाते हैं, राइट, तो वो आप दे सकते हो। पर जैसे कैश्यू नट्स है, ठीक है, रेजिन्स है, ठीक है, तो ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स हम बोलेंगे या फिर नट्स बोलेंगे वैसे हम अवॉइड ही करना वहां पे बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। या फिर जैसे खजूर, खजूर, ठीक है, डेट्स जिसको बोलते हैं, तो वहां पे ओबेसिटी के पर्सन में भी डेट्स वगैरह जो है थोड़ा अवॉइड ही किया जाता है, अगर मॉर्बिड ओबेसिटी अगर रही तो, ठीक है, डायबिटिक में तो अवॉइड करती ही है ये चीजें, ठीक है, पर ओबेज में तो यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रीमली जो स्वीट जो है, ठीक है, जिसमें सिंपल शुगर्स रहते हैं, ऐसी चीजें जो है अवॉइड ही की जाती है। ठीक है, सो कितने पॉइंट्स हो गए इसके? चार हो गए मैम। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट पांचवा पॉइंट लिखिए, add fish in non vegetarian diet to increase the protein content but avoid red meat full stop। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, हाँ, फ्लूइड के बारे में लिखिए वहां पे थोड़ा, fluid can be given liberally to all obese person full stop, continue कीजिए full stop के बाद, a glass of water before meal helps to cut down the intake of food। फुल स्टॉप लिखिए,
कंटिन्यूटी में लिखिए, जैसे स्ट्रेन्ड सूप्स है उसके बारे में हम लिखेंगे थोड़ा, वो भी फ्लूइड है, उसमें फ्लूइड कंटेंट ज्यादा रहते हैं, उसकी वजह से कंटिन्यूटी में लिखने के लिए बोला, ठीक है। सो इनटेक ऑफ फूड यहाँ तक हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप, कंटिन्यूटी में लिखिए स्ट्रेन्ड वेजिटेबल सूप, स्ट्रेन्ड वेजिटेबल सूप, स्ट्रेन्ड वेजिटेबल सूप, और वेज और अनस्ट्रेन्ड वेजिटेबल सूप, बोथ वेजिटेबल सूप, बोथ कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। वहां पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्यों बोला गया है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जो पेशेंट है, ठीक है, सो उनको थेरेपीज वगैरह दी जाती है, या फिर जैसे जैसे सर्जरीज वगैरह होती है, जैसे जॉ वायरिंग वगैरह हमने देखा था, राइट। तो वहां पे जो पर्सन है च्यू नहीं कर सकता, पर वो लिक्विड फॉर्म में जो कुछ है वो ले सकता है, ठीक है। तो जो स्ट्रेन्ड सूप्स होते हैं, राइट, तो वो स्ट्रॉ के थ्रू जो है वो ले सकता है, तो इसलिए मैंने स्ट्रेन्ड एंड अनस्ट्रेन्ड वेजिटेबल सूप कहा जाता वहां पे लिखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। सो ये आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। सो स्ट्रेन्ड वेजिटेबल सूप एंड अनस्ट्रेन्ड वेजिटेबल सूप्स बोथ कैन बी गिवन, ठीक है, इन सॉरी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसके बाद कंटिन्यूटी में लिखिए और क्या क्या आप दे सकते हो, थीन बटर मिल्क कैन बी गिवन। बटर मिल्क के बाद पहले क्या बोले आपने, थीन पतला, एक गाढ़ा होता है एक पतला होता है, ठीक है, तो थीन बटर मिल्क यानी जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, ऐसा बटर मिल्क, ठीक है, थीन बटर मिल्क कैन बी गिवन बिफोर मिल, थीन बटर मिल्क कैन बी गिवन बिफोर मिल, ठीक है। ये हम फ्लूइड क्यों बिफोर मिल्क दे रहे हैं, ठीक है, एक फुलनेस आने के लिए, यानी खाना जो है वो कम जाए, राइट। कभी भी आप भी देखो कि अगर खाने से पहले अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया तो ज्यादा खाना जो है वो हम नहीं खा सकते, राइट। तो इसलिए वो फुलनेस जो है वो क्रिएट करने के लिए वहां पे, और वो नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप पानी पी लेते हो तो वो जो है आप नेचुरल वो करते हो, आप एकदम अगेंस्ट जो है ये नहीं जाते, ठीक है। तो इसलिए अगर स्किम मिल्क लेते हैं या फिर जैसे सूप नहीं लेना कभी भी, ठीक है, सूप से क्या होता है आपको भी पता है, ठीक है, जो है भूख लगने लगती है, तो इसलिए सूप कभी हम ये बिफोर मील जो है वो वहां पे नहीं दे सकते, ठीक है। अगर अंडरवेट वगैरह पर्सन है तो वहां पे हम सूप्स वगैरह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि जो है अब ग्लास ऑफ जो वाटर आप दे सकते हो, उसके बाद में जो बटर मिल्क है वो दे सकते हो, बटर मिल्क में आप स्किम मिल्क भी यूज कर सकते हो, स्किम मिल्क का बटर मिल्क भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो है आप जो भी मिल्क यूज कर रहे हो, काउ मिल्क हो या फिर बटर मिल्क, उसका कर्ड बना के पर उसको थीम फॉर्म में देना है, ठीक है। सो ये आपके हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ डायटरी मॉडिफिकेशन फॉर ओबेस पर्सन, राइट। इसके अलावा, ठीक है, आप अगर अपने डाइट में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं पर्सनली जो ओबेस पर्सन है उसके लिए, जैसे फंक्शनल फूड्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, राइट, तो उसका जो है जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि उसका यूज आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, यानी इस तरह से आप लिख सकते हो, बी यूज्ड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स फॉर इंक्रीजिंग फाइबर कंटेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड रॉ फ्रूट्स, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या फिर वी यूज
जैसे फेनुग्रीक सीड्स है, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स म्यूसिलिजेनस फाइबर्स, ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो. तो वही है कि जो है आपने अगर कुछ मॉडिफाई किया है डाइट में, कुछ नई चीज डाली है, अदर्स में वगैरह आप डालते हो, राइट, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि उसका रोल क्या कर रहा है आपके, यानी रोल क्या है आपके डाइट में, तो वो आप थोड़ा डिपिक्ट कर सकते हो वहां पे, ठीक, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो. या फिर जैसे आप जैसे फैट के एक्सचेंजेस वगैरह कम कर देते हो, ठीक है, तो वहां पे आप ऐसे लिख सकते थे, वी यूज्ड ओनली वन एक्सचेंज ऑफ ऑयल फॉर रिड्यूसिंग फैट कंटेंट, ठीक है, इस तरह से भी आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशन में ये सब आएगा, ठीक है. मैम कमेंट में बता दो आप. हाँ, इसके बाद में जगह बची है क्या, है क्या जगह? अच्छा ठीक है, जाने दीजिए. यहाँ पे एक मैंने एक बताना चाहती थी कि कभी कभी ओबेस पर्सन जो है हाइपरटेंसिव भी हो जाता है, उसमें हाइपरटेंशन रहता ही है, ठीक है, बीपी जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, किसी में हाई बीपी रहता है, ठीक है, किसी में लो बीपी. एक लाइन आ जाएगी, आप बता दीजिए. तो वहां पे आप लिख सकते हो नॉर्मल सोडियम इनटेक, और नॉर्मल सोडियम इनटेक इज रिक्वायर्ड फॉर एन ओबेस पर्सन. A normal sodium intake is required for obese person, comma करके but if the person is of case of hypertension, या फिर इज केस ऑफ हाइपरटेंशन, ऐसा लिखिए, इज केस ऑफ हाइपरटेंशन, इफ द पर्सन इज केस ऑफ हाइपरटेंशन, देन सॉल्ट इज रेस्ट्रिक्टेड, देन salt is restricted, then salt is restricted, right? ये हो गया आपका obese का, ठीक है. उसके बाद आप लिखोगे इसके comments, ठीक है, obese पर. ये मुझे बताइए, hypertensive था क्या ये patient आपका जो मैंने case study दी थी? ऐसा कुछ नहीं था ना? No, ma'am, hypertensive. Yes, ma'am, hypertensive था, joint pain and difficulty in walking and hypertension. Right, फिर अपना point बराबर निकला लगा के, क्योंकि वो obese person में लिखना ही पड़ता है. Most of the obese person जो है hypertensive ही पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर उसको BP का problem रहता ही है, तो sodium जो है वहाँ पे थोड़ा उसके restrictions वगैरह लग सकते हैं, right? उसके बाद में comments में लिखिए. तो वहां पे लिखिए, वी प्लान्ड बैलेंस डाइट वी प्लान्ड बैलेंस डाइट फॉर ओबेस पर्सन. मैम प्लान्ड के पहले क्या बोले आपने? बैलेंस डाइट. मैम प्लान्ड के पहले बी प्लान्ड बैलेंस डाइट फॉर ओबेस पर्सन अकॉर्डिंग टू आइडियल बॉडी वेट and nutrient requirement the energy, comma protein
energy, protein, and fat needs are almost meat. एंड फैट के बाद क्या बोले आपने? क्या द एनर्जी प्रोटीन फैट नीड्स आर ऑलमोस्ट वी प्लान्ड डाइट मैम ये नेक्स्ट पॉइंट है क्या? हाँ हाँ राइट राइट सॉरी हाँ मैंने मैम फिर से बताइए आवाज अटक रहा था क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग से थोड़ा सा डिस्टरप्शन ये हो जाता है ना इसकी वजह प्रॉब्लम होता है वी प्लान डाइट टू प्रिवेंट the weight gain of the case to prevent the weight gain of the case or you can write person also point hai kya kya pehle wala repeat kar rahe ho nahi nahi wahi second point hai theek hai wahan pe maine bataya tha ki pehle sorry main repeat kar rahi hu kya wahi ha ha रिपीट करो तो आपने यही वाला बता दिया नहीं नहीं वो मैंने पहले क्या बताया था शायद वी प्लान बैलेंस डाइट फॉर ओबेस पर्सन अकॉर्डिंग टू आइडियल बॉडी वेट एंड देयर एनर्जी प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट ऐसा बताया था ना यस मैम हाँ हाँ ठीक yes. है ना हाँ तो ये लिख लिया यस मैम देन लिखिए वहां पे और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आप डाइट में कैसे शुगर आप अवॉइड करते हो मैम जो सेकंड वाला बताए तो आखिर में वो केस के बाद फुल स्टॉप लगाना है ना हाँ हाँ फुल स्टॉप मैम सेकंड वाला एक बार आप रिपीट कर दो सेकंड वाला ना वी प्लान डाइट टू प्रिवेंट वेट गेन to prevent weight gain of the case ठीक है ये एक पॉइंट आ गया we provide bulk diet bulk 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 diet with low fat low calorie high fiber and protein to fulfill the hunger ठीक है सो ये आपका कमेंट जो है वो आ गया दो तीन लाइन में
ठीक है, इतना लिखा तो भी सफिशियंट है, या फिर इसमें आगे जो है, ठीक है, आपने किस तरह से प्लान किया है, क्या क्या चीजें ऐड की, राइट, किस लिए ऐड की, वो भी आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है, जैसे रूट्स एंड ट्यूबर्स क्यों अवॉइड किया आपने, ठीक है, या फिर नट्स जो है, या फिर ड्राई फ्रूट्स है वो किस लिए आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, ताकि जो एम्प्टी कैलोरीज है वो ना मिल सके, तो इस तरह का भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, पर कमेंट में ज्यादा ना लिखे तो भी सफिशियंट है, क्योंकि आपने न्यूट्रिशनल गोल्स में भी आपने जो है चीजें बता दी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशन है उसमें भी सारी चीजें आ गई, राइट, तो इसलिए जो है बहुत दो तीन लाइंस ही जो है वो बहुत सफिशियंट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओबेस का, उसके बाद क्या रह गया है, अंडरवेट का ना, राइट, हाँ अंडरवेट का रह गया। यहाँ पे स्मॉलर मील का एक पॉइंट लिखा है ना, हाँ 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 बराबर लिखा है सर, प्लान अंडरवेट का प्लान है ना, अंडरवेट का प्लान बता, अंडरवेट में लिखिए न्यूट्रिशनल गोल्स जो है वो, पहला लिखिए पॉइंट, पहला लिखिए प्लानिंग द डाइट, प्लानिंग द डाइट, प्लानिंग द डाइट विथ एडिक्वेसी, प्लानिंग द डाइट विथ एडिक्वेसी, एडिक्वेसी एंड बैलेंसिंग द फूड कंटेंट्स, planning the diet with adequacy and balancing the food contents, ठीक है, यानी मैं आपको different different जो formats है वो बता रही हूँ, ठीक है, obese में हमने कुछ टू करके start किया था, यहाँ पे कुछ अलग से start कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से different different आप statement जो है वो वहाँ पे लिख सकते हो, right, so planning diet with adequacy and balancing the food contents, ये एक हो गया। सेकंड लिखिए, लार्ज पोर्शंस आर एडेड टू द डाइट, लार्ज पोर्शंस आर एडेड टू द डाइट, टू द diet, increased energy intake, diet क्या बताया आपने, sorry, food contents, planning diet with adequacy and balancing the food contents, then large portions are added hum added to the diet ke baad, added to the diet, yeah, then third point bata rahi hu main, increase energy intake hai na ma'am, ha ha, third point ye ma'am, second point hai ye, अच्छा नहीं, आपने पहला पॉइंट ये नहीं लिखा क्या, प्लानिंग डाइट विद एडिक्वेसी एंड बैलेंसिंग द फूड कंटेंट, से पहला पॉइंट होता है फर्स्ट, तो ये आपने सेकंड, और सेकंड वाला लार्ज पोर्शंस वाला, हाँ वो सेकंड हो गया, लार्ज पोर्शंस आर एडेड वो सेकंड हो गया, थर्ड जो है वो इंक्रीज एनर्जी, आप एक बार रिपीट करो, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, सुन लीजिए, पहला पॉइंट है प्लानिंग डाइट with adequacy and balancing the food contents, ये पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट है लार्ज पोर्शंस आर एडेड,
सेकंड पॉइंट है लार्ज पोर्शंस आर एडेड इन द डाइट, ठीक है ये हो गया। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, इंक्रीज्ड एनर्जी इनटेक, इंक्रीज्ड एनर्जी इनटेक, इंक्रीज एनर्जी इनटेक बिकॉज 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 person is of because person is of underweight category increased energy intake because person is of underweight category then next point likhiye add add next point ha fourth point aayega add add nutritious drinks add nutritious drinks and smoothies 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 by avoiding soft drinks and caffeinated drinks ठीक है caffeine जिसमें ज्यादा होता है जैसे coffee वगैरह है right so caffeinated drinks देन नेक्स्ट पॉइंट अगर जगह बचती है तो वहां पे लिखिए फूड्स विथ फूड्स विथ फूड्स नेक्स्ट पॉइंट है क्या हाँ हाँ सॉरी पॉइंट्स बोलना भूल जाती हूँ सॉरी नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट फूड विथ एपेटाइजिंग एक्टिविटी food with appetizing activity are added food with appetizing activity are added okay बस इतना लिखा तो भी sufficient है ठीक है या फिर इसके अलावा एक जो point है आप जो है add कर सकते हो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स शुड बी एडेड ठीक है फॉर हाई एनर्जी हाई प्रोटीन ठीक है हाई प्रोटीन एंड हाई एनर्जी कंटेंट्स एक्टिविटी के बाद प्लीज रिपीट कीजिए ना हाँ फूड्स विद एपेटाइजिंग एक्टिविटी फूड्स विद एपेटाइजिंग एक्टिविटी आर एडेड foods with appetizing activity are added right jagah bach rahi hai ki rehne dijiye hai ma'am jagah alag kya hai wahan pe likhiye nutrient dense foods next point hai next point likhiye nutrient dense foods nutrient dense foods nutrient dense foods such as sorry which contains nutrient dense foods which contains nutrient dense foods which contains high energy high energy high protein with adequate amount of with adequate amount of fat vitamins and minerals adequate amount of fat vitamins and minerals
should be added in the diet. Should be added in the diet. फिर से एक बार ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर रही हूँ. न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स विच कंटेन्स हाई एनर्जी हाई प्रोटीन विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट विटामिन्स एंड मिनरल्स शुड बी एडेड इन द डाइट. ठीक है, सबने लिख लिया ये पॉइंट. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ के बाद क्या बोले आपने? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट फैट